जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती उसे सजा देना जरूरी है। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है टीएमसी उनको टारगेट करती है। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो इनके लिए कराए पर पानी फिर गया। अब हाईकोर्ट का फैसला तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। इनकी साजिश पर ब्रेक लग गया है, लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। साथियों, टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। जो कोई भी टीएमसी के गुनाह सामने लाता है टीएमसी उनको टारगेट करती है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। इस पर बंगाल के संतों ने टीएमसी को रिक्वेस्ट की कि जरा आप अपनी गलती सुधार लीजिए, और बड़ी नम्रता से रिक्वेस्ट की, लेकिन टीएमसी ने हमारे संत समाज को ही धनाधन गालियां देना शुरू कर दी। अब रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ,
ये ऐसी महान संस्थाएं हैं, दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा है, उनके संतों को अपमानित करना, भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहां संदेश थाली की बहनों ने इंसाफ मांगा तो टीएमसी ने उनको ही टारगेट कर दिया। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने, ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है कि कैसे एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है।